नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है। एक बार फिर अजय मैंने यूट्यूब चैनल पे आप सबका वेलकम करता हूँ। दोस्तों, अजय मैंने यूट्यूब चैनल में तकरीबन 49,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मतलब हमारी जो फैमिली है, अजय मैंने यूट्यूब चैनल फैमिली है, वो ग्रो कर रही है दोस्तों। और आपने अजय मनी फेसबुक पे, सॉरी अजय काविठिया, जो ये मेरा रियल नेम है, हो गया, आप सब जानते हो कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, बट अजय मनी मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरा जो रियल नाम है ये है। और यहाँ पे आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं यहाँ पे पोस्ट डालता रहता हूँ मेरी हर दिन की जो भी, मतलब कुछ भी मुझे लगता है मेरे लिए, मतलब यहाँ पे वीडियो के लिए डालता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं यहाँ पे पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ दोस्तों। ओके, देखिए ये दुबई गए थे, वहाँ पे एक्सपो का जो एक रोबोट के साथ फोटो खिंचवाया था, ये वीवो कोबराई जी वहाँ पे एक्सपो में मिले थे, तो उनके साथ भी काफ़ी मज़ा आया। ओके, तो ये सारी पोस्ट दोस्तों मैं डालता रहता हूँ, बट ये यूट्यूब पे नहीं डाल सकता ना, तो आपको मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, वहाँ पे मुझे फॉलो करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको मेरी अपडेट सारी मिलती रहेगी दोस्तों। ओके, सो दोस्तों आपको बताना ये चाहता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप चाहते हो काम करना, तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर समझनी होगी। चलिए मैं MT4 पे आपको ले चलता हूँ पहले तो। ओके, हम कबाना कैपिटल के MT4 में आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको शो करना चाहूँगा। ओके, ये H1 आप देख सकते हैं, ये H4 है, ये टाइम फ्रेम है। ओके, और लॉग इन करने के लिए फाइल में जाइए, ओपन एन अकाउंट जाइए, और यहाँ पे आप कोई भी ब्रोकर सर्च मारोगे ना, जैसे कि ऑक्टा एफएक्स। सो दोस्तों ये कोई भी ब्रोकर हो आपका, ओके, कोई भी ब्रोकर हो आप, ऐसे सारे ब्रोकर में आप लॉग इन कर सकते हैं, चाहे कबाना का हो चाहे ऑक्टा का हो, एक ही MT4 है आपके पास, तो उसमें आप ऐसे अलग अलग ब्रोकर आप डाल सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। ओके, ऐसे कोई भी आपका ब्रोकर हो, यहाँ पे सर्वर डाल दो तो हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हो गई, और मेन बात दोस्तों यहाँ पे करेंगे, ये सारा सब कुछ, ये जो ऊपर ये दिख रहा है ना, ये फ्यूचर है सारे MT4 के, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करेंगे दोस्तों, हैजिंग के बारे में। ओके, मान के चलिए हमारा एक अकाउंट है, ओके, उसको यहाँ पे करते हैं H4। जो हुआ है ना अभी हाल ही में जो हुआ है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक चार्ट है, ओके, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। अब मान के चलो आपने गलती से, यहाँ पे क्लियर कट है कि ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, दिख रहा है अपने को। ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट है अपने को दिख रहा है, बट आपने क्या किया, गलती से यहाँ पे ऐसे आया और यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला और आपने यहाँ पे बाय कर लिया। ओके, तो इस लाइन को हम कर देते हैं कुछ अलग ही लाइन, मान के चलिए ग्रीन लाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे बाय किया हमने। ओके, तो यहाँ पे बाय किया और मार्केट जा रहा है दोस्तों नीचे का नीचे। अब मार्केट ऊपर गया बट वहां तक नहीं आया, हमने वेट किया कि मार्केट आएगा बट नहीं आया, और यहाँ से नीचे चला गया, फिर थोड़ा ऊपर आता है बट फिर मार्केट नीचे का नीचे का नीचे चला जाता है। ओके, अब सुनिए, अब मैं आपको कुछ शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे, यहाँ से लेके मार्केट तकरीबन काफी 2000 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया, वन साइडेड मूवमेंट हो गया, मार्केट नीचे आ गया, आपने जहां पे लिया था वहां पे भी मार्केट नहीं पहुंचा, तो आपका अगर लॉट साइज यहाँ पे मान के चलिए वन लॉट है, तो यहाँ तक आने में $2000 माइनस हो जाएगा, $11000 है ना, तो ये माइनस होके $2000 माइनस हो जाएगा, इसमें से तकरीबन $9000 बच जाएगा। ओके, तो अब क्या, ये सपोर्ट जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर का, ये सपोर्ट लेवल है, तो ये सपोर्ट लेवल को भी अगर ये ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे डर जाऊंगा, और मैं यहाँ पे डर जाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको तोड़ा ना तो तुरंत हैजिंग में डाल दूंगा, हैज कर दिया। जितना मैंने यहाँ पे लिया था बाय में, उतना मैंने क्या कर दिया, ये सेल में जो पोजीशन डाली ना उसका कलर चेंज करते हैं। चलिए तो आपको थोड़ा पता चलेगा, इसको ब्लू कर दूं क्या, ओके ये कर देता हूँ, तो दिख रहा है ये हमने बाय पोजिशन लिए और यहाँ पे मैंने सेल का ऑर्डर डाल दिया। अब सुनिए, अब यहाँ पे $2000 जितना माइनस हमारा हुआ होगा, 2000 पॉइंट में जितना भी लोट आपका लॉट साइज कम होगा, तो यहाँ पे कम मतलब 0.2 का होगा ना, तो यहाँ पे आपको तकरीबन $200 माइनस होगा।
ओके तो उस प्रकार से आपका लॉट साइज कितना है उस पर डिपेंड करता है। बट इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। अब यहां पे हैजिंग तो हमने कर दिया, हैजिंग कर दिया ना, तो आपकी टेंशन खत्म। क्यों? मेरा जो भी था $2,000 था वो यहाँ पे जो माइनस में दिख रहा होगा ना, यहां से लेके यहां तक का $2,000 जो भी मेरा फ्लोटिंग होगा वो अब $3,000 नहीं होगा, 2,500 नहीं होगा, यहाँ पे वो ब्लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों इसके फायदे भी है और इसके नुकसान भी है। देखिए यहाँ से इसको ब्रेक किया उसके बाद मार्केट काफी नीचे गया। ओके मान के चलिए यहाँ पे नीचे गया होगा 900 पॉइंट, उसके बाद थोड़ा ऊपर आया पर उसके बाद और नीचे चला गया, तकरीबन 1200 पॉइंट और नीचे गया। ओके तो यहाँ पे आप देखिए 1200 पॉइंट तो मैं अभी बोल रहा था आपको, अब मैं थोड़ा और दिखाता हूँ आपको, तकरीबन 1300 पॉइंट चला गया, 1300.50 के आसपास चला गया है। अब दोस्तों इसका ये बेनिफिट है कि $2,000 से आपका ज्यादा फ्लोटिंग नहीं होगा, आपका माइनस में ज्यादा नहीं जाएगा। बट नुकसान ये भी है आपका $2,000 जो है वो अभी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तब भी ये जो $2,000 है वो माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका ये प्लस में आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, अगर ये माइनस में होगा तो ये प्लस में चला जाएगा। सो दोस्तों तकरीबन 1300 पॉइंट के आसपास अभी मार्केट और नीचे चला गया। अब हमें पता नहीं है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, टेक्निकल एनालिसिस कर लोगे यहाँ से कि कोई ट्रेंड लाइन खींच दी ऐसे। ओके अब सुनिए, अब यहाँ पे ये जो है ना ये कब निकालेंगे, हमें सही सिग्नल मिलेगा तब। अब हमें यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और यहाँ पे अगर सिग्नल मिला तो हमें दोस्तों इसको है ना यहाँ पे अभी ये जो ट्रेड हमने लिया है वो सेल की है ये बाई की है। ओके तो ये प्लस में आई होगी तो यहाँ पे दोस्तों इसको प्लस में निकाल देना है। ओके बट प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है असली प्रॉब्लम, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा तो रहा है बट ये जाएगा कि नहीं ये थोड़ी ना आपको पता है कि इतने टाइम में चला जाएगा। अब मैं थोड़ा मार्केट को आगे लेता हूँ दोस्तों और देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही निकाला और मार्केट नीचे आ गया। ओके अब हम और डरे, और डरे या तो और हेज कर दोगे आप। ओके यहाँ पे देखिए और गया मार्केट, और गया मार्केट, और गया, ये देखो आप। अगर आपने इस हेजिंग को नहीं निकाला होता तो आपका $2,000 ही होगा ओके माइनस में, बट आपने इस हेजिंग को जो ये सेल ऑर्डर था उसको आपने निकाल दिया तो अब ये पेंडिंग में पड़ा रहा बट मार्केट तो और नीचे गया और नीचे गया, तो ये आपको फंसा के रख देता है। ओके ये हेजिंग ने तो आपको बचा लिया बट यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन खींची और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस किया बट फिर भी मार्केट डाउन गया, तो ये वन साइड मार्केट दोस्तों सबकी वाट लगाता है। ओके सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों को ही प्रॉब्लम करेगा, ये सबकी वाट लगाता है दोस्तों। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो फिर ऐसा होगा। ओके तो इसके लिए आपको कंप्यूटर पर बैठना पड़ता है। ओके अब मान के चलिए अब यहाँ से देखेंगे अब कितना नीचे आ गया दोस्तों, टोटल आप देखना ये बहुत ही आपके अकाउंट को खा भी जा सकता है, अगर आपने सही टाइम पे हेजिंग नहीं किया होता तो आपके अकाउंट को खा जाता है 6,800, मतलब तकरीबन 50% आपका अकाउंट एक ही ट्रेड से वन लॉट लिया होता तो 50% अकाउंट आपका ऐसे ही चला जाता माइनस में। ओके अगर आपका $5,000 का अकाउंट होता तो जीरो ही हो जाता एक सिंगल ट्रेड में, तो वन साइड मार्केट इतना खतरनाक है। और प्रॉफिटेबल क्यों है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर आपने ये सपोर्ट तोड़ा और आपने हेजिंग कर दिया होता, यहाँ पे हेजिंग कर दिया होता तो मार्केट चाहे कितना भी नीचे जाए तो आपका जो लॉस है वो $6,000 नहीं होता, वो होता ओनली ऑन $2,000 जो पहले था। आपको आया समझ में? अब इसको निकालना कब है दोस्तों, इसको निकालना कब है, तो इसको सिंपल और सिंपल ट्रेंड लाइन से आप मतलब वो नहीं कर सकते कि ट्रेंड लाइन से मैं मेजर कर लूंगा मार्केट को और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट यहाँ से अप जाएगा या यहाँ से डाउन जाएगा। ओके सो उसके लिए देखिए कुछ अलग अलग ट्रिक होती है, मैं आपको शो करता हूँ जो मेरी ट्रिक है। मैं वन डे या वन वीक में चला जाऊंगा। ओके अब वन डे या वन वीक में चले जाएंगे ना तो आपको एक हैवी सपोर्ट एंड हैवी रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है ना वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करती है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करती है। यहाँ से मार्केट नीचे आया फिर ये रेजिस्टेंस हुआ फिर मार्केट नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया फिर ऊपर चला गया फिर ये सपोर्ट का काम ले लिया फिर मार्केट बूम। ऐसे ही मार्केट नीचे आता है तो उस लाइन की रिस्पेक्ट करता है। ओके उस लाइन को रिस्पेक्ट करता है और वहां से उसको
नीचे जाने में या ऊपर जाने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो जो तकलीफ होती है उसका बेनिफिट आपको उठाना है। ओके, यहाँ पे ये जो लाइन है ना वो एक हैवी सपोर्ट का काम करती है। अब दोस्तों जो हैजिंग है, यहाँ पे जो हैजिंग है वो यहाँ तक आएगी, तो यहाँ पे हमें निकाल देना है। ऐसा आपको एक हैवी सपोर्ट मिले, और यहाँ पे आप एक देख रहे हो, ये कंफर्म सिग्नल है कि मार्केट अब जाने वाला है बाई में, समझ रहे हो आप। अगर आपने यहाँ पे इस हैजिंग को निकाला और मार्केट आपको अब यहां तक का वेट नहीं कर रहा है दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट जाएगा तब मैं निकलूंगा, नहीं, आपने इस जो एक लॉट यहाँ पे आपने सेल लिया था उसको निकाला, फिर आपने मान के चलो यहाँ पे निकाल दिया इस लाइन पे, तो यहाँ से फिर यहाँ पे देखिए 2000 पॉइंट तो आराम से 2500 पॉइंट चला गया, तो आपको वो इतना ही बेनिफिट दे देगा, मतलब आप नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल सकते हैं, समझ गए आप। ये जो था वो यहाँ पे था, उसको वहां पे नहीं निकालना है, आपको वन डे की कैंडल में जाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है, और फिर यहाँ पे जो अपना हेजिंग वाला पोजीशन है उसको निकाल देना है। तो यहाँ से 2000 पॉइंट का जैसे ही बाउंस बैक होगा, मूवमेंट बैक में जाएगा, तो आपका जो ये लॉस है, आपको ये लॉस चाहे 6000 दिखाई दे बट वो आपका $2000 पूरा रिकवर कर देगा, समझे आप। क्योंकि आपका रियल में लॉस तो $2000 ही है ना, तो आपने एक लॉट यहाँ पे निकाला, तो यहाँ से अगर 2000 पॉइंट ऊपर मार्केट जाएगा तो आपका जो एक्चुअल में रियल में जो $2000 का लॉस है वो आपका रिकवर हो जाएगा, और बाकी का जो ये ट्रेड है उसको भी आपको उसी टाइम निकाल देना है। एक ही साथ निकाल सकते हैं दोस्तों आप। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको निकाल दूं फिर वेट करूं, तो मार्केट आगे जाके यहां तक जाएगा, फिर वहां से यहां तक नहीं जाएगा, वहां से फिर बाउंस बैक होके नीचे भी आ सकता है, समझे आप। तो ये हेजिंग का कुछ बेनिफिट भी होता है और कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ओके, सो आपको कहाँ पे हेजिंग करनी है, कैसे हेजिंग करनी है, किसी को पूछ के नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा अकाउंट रिस्क में जा रहा है तो आप हेजिंग कर सकते हैं। ओके, बट कब हेजिंग करना है, जब आपको सपोर्ट को तोड़े या रेजिस्टेंस को तोड़े तब। और आपको कब आपको हेजिंग में निकालना है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को, जब आपका कैंडल रिस्पेक्ट करे। ओके, ये जो कैंडल बनी है वो रिस्पेक्ट कैंडल बनी है, यहाँ पे जितना सेलिंग प्रेशर है उतना ही बाइंग प्रेशर है, तो यहाँ से क्लियर कट होता है कि मार्केट अब थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा और हमें क्या चाहिए, उतना तो चाहिए दोस्तों। जब तक क्लियर कट आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट अप जाएगा या मार्केट डाउन जाएगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया था, मैं इसको 4 आवर के कैंडल में करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे तुरंत लगा दिया हैजिंग। अब वो हैजिंग को, अब देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन, सिंपल ट्रेंड लाइन की मदद से मैं निकालना चाहता तो नहीं निकल पाता। ओके, तो या तो फिर मुझे निकालना होता तो मुझे यहाँ पे निकालना था दोस्त, क्योंकि मुझे जितने डॉलर माइनस में है उसको रिकवर करने के लिए कितना मूवमेंट चाहिए वो मुझे टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे मान के चलिए हैज किया है, तो यहाँ पे मुझे कोई सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे कोई सिग्नल मिल रहा है, और मुझे अगर लगता है कि 2000 पॉइंट का एक कंप्लीट मुझे यहाँ पे मिलेगा रिकवरी, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देखिए ये 1600-1700 पॉइंट का है। ओके, तो हमें चाहिए 2000 पॉइंट, तो 2000 पॉइंट जाना मुश्किल है, तो यहाँ पे अपनी वाट लग सकती है दोस्तों, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा फिर मार्केट नीचे। अब आपने हैजिंग खोल दिया यहाँ पे कि मार्केट तो ऊपर जाने वाला है, बट जहाँ पे हैजिंग खोलोगे वहीं से मार्केट नीचे जाएगा। ओके, या तो फिर ऐसा उल्टा भी होता है दोस्तों। ओके, उल्टा कैसे होता है मैं आपको शो करता हूँ। चलिए अब दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे मैं पहले बाइक का ऑर्डर ले लेता हूँ, बाइक की। ओके, यहाँ पे मुझे एक सिग्नल मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे बाइक का ऑर्डर ले लिया। अब बाइक का ऑर्डर ले लिया ना, तो अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे जा रहा है, यहाँ तक मार्केट गया है। अब दोस्तों ये बाइक का ऑर्डर है, इसको ग्रीन कर देंगे, मैं आपको समझाता हूँ। ये बाइक का ऑर्डर है, इसको ग्रीन कर देंगे। ये उल्टा कब पड़ता है वो देखते हैं। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये नीचे का नीचे जा रहा है। अब ऐसे ये जो आप कैंडल देख रहे हो ना उसको मत देखो, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना, मार्केट तो नीचे ही जा रहा है।
अब यहाँ पे बस यहाँ पे देखते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ये कैंडल जो बन रही है ना, ये लगातार नीचे के नीचे के नीचे की जा रही है। ओके काफी और नीचे जा रही है, हमें इसके बाद का पता नहीं है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा। ओके इसके बाद का हमें बिल्कुल पता नहीं है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट सीधा का सीधा लगातार नीचे का नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे हम ये सोच के बैठे हैं कि मार्केट यहां तक आएगा। मैं यहाँ पे येलो लाइन कर देता हूँ। ओके यहाँ पे येलो लाइन कर देता हूँ तो मार्केट और नीचे आ सकता है। मुझे क्या लग रहा है, मार्केट और नीचे आ सकता है, और यहाँ से लेके तकरीबन मुझे लगता है 4,000 पॉइंट आएगा, मेरे अकाउंट की वाट लग जाएगी। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, जो मैंने बाय ऑर्डर वहां पे लिया था तो यहाँ पे मैं सेल ऑर्डर कर दूंगा। एक एक मिनट, ये तो हमारे सामने होता है ना, इसलिए दोस्तों। बाकी आपको मार्केट का आगे पता ही नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। ओके तो यहाँ पे मैं ब्लू लाइन कर देता हूँ सेल की, ब्लू लाइन। ओके ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने बाय ऑर्डर किया बट मार्केट मेरे ऑपोजिट चला गया। अब मार्केट जा रहा है नीचे, मैंने सोचा कि आएगा आएगा आएगा, फिर मेरा जो पेशेंस था वो खत्म हो गया और मैंने यहाँ पे एक सेल का ऑर्डर लगा दिया। अब जैसे ही मैं सेल का ऑर्डर लगता हूँ, मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है। ओके नीचे गया, मेरा जो सेल वाला है वो थोड़ा प्रॉफिट में भी आया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, धीरे 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 ओ मार्केट बूम। मैंने सोचा और आएगा फिर निकल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, निकल जाएंगे निकल जाएंगे निकल जाएंगे निकल जाएंगे निकल जाएंगे। पर यहाँ पे आप देखिए मार्केट बूम, क्या हो रहा है मार्केट का बूम। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फंस गए, हमारा जो स्पेशंस था वो यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा स्पेशंस खत्म हो गया। ओके अगर यहाँ पे यहाँ तक आया स्पेशंस रहा तो आगे भी रखो ना, हेजिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं। अगर स्पेशंस पे आप टिके हुए हो तो आपको पक्का पता है कि मार्केट, यार ये यूरो यूएसडी का मार्केट है, अगर ये लगातार तकरीबन 3,800 पॉइंट तक नीचे गया है तो उसको ऊपर भी जाना है। ओके अगर रुक जाते तो अच्छा था, बट नहीं रुके तो ये उल्टा भी होता है दोस्तों। ये जो हेजिंग का स्ट्रेटेजी है ना, वो कब लगाना है कब नहीं लगाना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि हेजिंग कर दो, अगर आप डर रहे हो, डर की वजह से हेजिंग कर रहे हो, स्पेशंस खो के कर रहे हो, तो ये बात गलत है। आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हेजिंग करना है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हेजिंग से रिमूव होना है। और रिमूव भी कैसे होना है, एक ही साथ होना है। वन लॉट बाय लिया है तो सेल भी वन लॉट का ही होना चाहिए, और दोनों को एक साथ निकालना है। अगर आपने ऐसा सोचा कि वन लॉट लगाया तो मैं 0.5 लगा लूँ, तो उसमें आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा गड़बड़ रह जाएगा। ओके तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये टेक्निकल फंडे कुछ लोगों की समझ में आएंगे, कुछ लोगों की समझ में नहीं आएंगे, बट एक इम्पोर्टेंट लेसन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।